क्या आपको पता है कि आप अपने घर में शराब और बियर की कितनी मात्रा रख सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 का नियम 20 बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर विस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं और 18 लीटर बियर वाइन रख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जानकारी देने की वजह ये रही कि आबकारी विभाग को दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में याचिकाकर्ता के घर के बेसमेंट से भारतीय और विदेशी ब्रांड की कुल 132 बोतल शराब मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस कितनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद्द करने की मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका सिन्हा ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि याचिकाकर्ता के आवास पर 25 वर्ष से अधिक उम्र के 6 वयस्क और 4 बच्चे रहते हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए भारतीय शराब और विदेशी शराब रखने की अधिकतम सीमा 9 लीटर है और बियर, मदिरा, साइडर और एल्कोपॉप रखने की सीमा 18 लीटर है। ऐसे में आबकारी अधिनियम 2009 का प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 का नियम 20 खुदरा बिक्री और शराब के व्यक्तिगत कब्जे की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत अपराध होता है, जिसमें अधिकतम 3 साल की कैद और 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आदेश में आबकारी अधिनियम के अन्य हिस्सों को भी इंगित किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करते समय 1 लीटर भारतीय या विदेशी शराब और अन्य देशों से दिल्ली में प्रवेश करते समय 2 लीटर शराब ले जा सकता है। पीठ ने आगे कहा कि दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप तथ्यों और परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल अपराध का मामला नहीं बनता है। अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया रद्द कर दी है।